हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है मूंग वाली दाल साबुत, ये खेत की है। तो मम्मी इसको साफ़ कर रही है, फिर इसको मोया वगैरह लगा के दाल बनाएंगी। दाल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया होने वाला है आप सबके लिए। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ये वीडियो आज, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आज आप। मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए अपने खेतों पर और बहुत दिन के बाद आए हैं। सोचा चलो चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा था, बादल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बारिश भी होगी चुकी है। आप देख रहे होंगे खेत गीले गीले से हो रहे हैं। आपको दिखाती, देखो नज़ारा सच में खेतों का। तो गांव का जो व्यू होता है ना, हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो वो जो आप देख रहे हैं ना, उनको बोलते हैं बुर्जी, जिसमें भूस भरा जाता है गाय भैंस के लिए। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, वो खेत अभी इसमें जुते हुए हैं वो खेत। और आज मैंने चोटी देखो कैसी की है, स्टाइलिश। चलिए तो बस वो कहने मेरी भतीजी, हाँ हाँ इसने की है, ये दिख रही है, कह रही है मेरी भतीजी ने की, ये बोल दो। इसी ने की है भाई, ऐसे करके की है। देखो वैसे मैं कभी करती नहीं हूँ, पर अभी यहाँ पे ये सब मुझे बना रही है। कभी कोई बुआ ऐसे कर लो, कभी बुआ ऐसे कर लो। चलो अच्छा, आजा आजा आजा, चलो चलो। ओ चप्पल पहन ले बेटू, चप्पल पहन ले, चप्पल पहन ले। ये बैठी है, चलो चलते चलो। तो और आगे दिखाऊंगी, जब तक बना ला नहीं खेता, नहीं बना ला। अच्छी सी हरियाली, देखो यहाँ पेड़ वगैरह बहुत ही अच्छा है। ये गाय बंदी है, भैंस है, इधर देखो बकरी भी है, उधर बकरी है, ये गाय बन रही है, बन रहा है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये है अमर बेल। ये बहुत ही अच्छी होती है, यानी इसके अमरबेल इसका नाम इसलिए है क्योंकि कभी नष्ट नहीं होती है इसकी, ना कोई जड़, ना कोई तना, ना कोई मतलब पत्ती फूल, कुछ नहीं होता। इसको जहाँ भी आप डाल देते हो वहीं हो जाती है। ये बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होती है दर्द में, चोट में। मैंने खुद इसको लगाया है, अपनी स्वेलिंग में बहुत काम आती है, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो बस अब हम आगे जा रहे हैं खेतों की तरफ। आज मैं आपको अपने सारे खेत दिखाऊँगी, अपने मतलब जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह है वो सब दिखाऊँगी। तो चलिए आगे चलते हैं, और आज आपको गांव का पूरा मैं आपको व्यू दिखाने वाली हूँ। तो बस हम आगे चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। खेत देख सकते हैं आप, ये जुते हुए खेत हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बबूल का फूल है। ये आपने नहीं देखा होगा, इसकी हम ना पहले ये बबूल का फूल टूट के फिर इसमें फली आती है, इसकी हम पायल बनाते थे और वो पहनते थे। तो यहाँ पे हम लोग आज गए हैं, एक ये हमारे अंकल जी का ट्यूबवेल है, दूसरे मतलब पापा के फ्रेंड हैं उनका ट्यूबवेल है। तो हम यहाँ पे आए हैं और फिर उसके बाद अपने ट्यूबवेल पे जाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये रास्ते में ही पड़ता है, यहाँ पे भी जामुन वगैरह के बहुत सारी मतलब पेड़ वगैरह बहुत है। तो मैंने कहा चलो इधर भी चलते हैं, और बहुत सारी छाया, ये ना ये चीज़ें होती हैं ना, ये ट्यूबवेल वगैरह ये गाँव से बाहर होते हैं। तो यहाँ पर जामुन लगी हुई है, आगे चलते हैं अभी। तो बस मैं आज आपको, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं आज आपको गांव का व्यू दिखाऊं, गांव का माहौल दिखाऊं, कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है, शांति भरा, कोयल की आवाज़। तो बस यहां पे हम सब हैं, मेरी चाची की बेटियां थी, ये सारे बच्चे थे, सब लोग आए थे। तो ये जो है ये लकड़ी होती है, अब ये बेल है, इसमें भिंडी का लगा हुआ है और कद्दू का है, ये भिंडी का है ना, ये भिंडी का पेड़ है, ये भिंडी का है, और आगे कद्दू का दिखाया था शायद मैंने आपको, और ये जामुन है। तो यहाँ पे भी ना चाची की बेटी की बेटी चढ़ेगी, क्योंकि उसको आदत है, वो गांव से है तो वो चढ़ जाती है। ये कद्दू का है, मैं आपको दिखाई, यहाँ कद्दू, इस पे कद्दू लगते हैं बेल पे। ये देखो ये चढ़ा रहा है उसको, वो चढ़ भी गई थी, उसने इतने जामुन तोड़े थे। अभी जामुन का सीजन चल रहा है तो वो जामुन बहुत लगे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी पीछे दिखाया था मेरे घर पे, यहाँ भी लगे हुए और हमारे खेतों पे भी लग रहे हैं जामुन काफ़ी। यहाँ राघव मुझसे रूठ गया था, क्योंकि वो कह रहा था चढ़ने के लिए पेड़ पे, मैंने बेटा तू नहीं चढ़ पाएगा, तो गुस्सा हो गया था। ये जो बैठी है ये ट्रैक्टर की होती है, इससे जुताई होती है। तो यहाँ सारे बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, और आप देखो मोर की आवाज़ भी सुन सकते हो काफ़ी।
कितना आवाज आ रही है मोर की देखो। और बस यहाँ ये सब मतलब इन्होंने टांग रखा है लटकने वगैरह का, तो बच्चे अपने आप मस्ती कर रहे हैं। एकदम पिकनिक टाइप ही हो गई थी बच्चों की, सारे बच्चे थे एक एक से छोटे से लेके बड़े तक सब बच्चे थे। बहुत अच्छा लगता है ऐसे घूमने में, शाम के टाइम निकले थे हम लोग तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बारिश हो चुकी थी तो मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये लोग चारा लेके जा रही हैं गांव में इस तरीके से, ये देखो सर पे चारा रखा हुआ है अपनी गाय भैंस के लिए। मैं भी आऊँगा, आप भी आ जाओ। तो अब यहाँ हम आ चुके हैं अपने ट्यूबवेल पर, ये है हमारा। तो ये ट्यूबवेल है देखिए, अभी चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है क्योंकि लाइट नहीं थी शायद उस टाइम पे। तो ये ट्यूबवेल है यहाँ, ये पानी इसमें भरा हुआ है, यहीं से पानी खेतों में जाता है लगने के लिए। तो बस अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी मोर चिल्ला रहे हैं, देखो ना। तो यहाँ ट्यूबवेल में हमारे बहुत ज़्यादा फूल पत्ती, बहुत अच्छा लगता है एकदम। देखो छाया छाया सी गर्मी में भी आप आराम से सोच सकते हो, कोई बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। ये जो है ना, ये सारी सब्जियाँ हो रही हैं इधर, तोरी हो रही है शायद, तोरी हो रही है और लौकी वगैरह, लौकी नहीं तोरी और कद्दू हो रहे हैं, इसको बारी बोला जाता है यहाँ पे। जैसे तोरी कद्दू सब्जियाँ जो होती है उसको बारी बोलते हैं, वो है उधर। और ये देखिए यहाँ पे ये फूल वगैरह भी है, ये जामुन पे ये चढ़ गए थे भैया जो रहते हैं यहाँ पे हमारे खेत यहीं पे ट्यूबवेल पे ही, वो उन्होंने इतना पेड़ हिलाया। और ये देखो यहाँ बिछा भी दिया था कि यहाँ बच्चे अपना जामुन बीन रहे हैं, देखिए फिर यहाँ ट्यूबवेल पे आराम से धो के और खा लेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ये सच में, ये चीज़ शहरों में नहीं है, ना मिलती है ना ही अच्छा लगता है। मैंने इनका ज़रूर लिया था, मैंने उनसे मना भी किया था रहने दो कि नहीं 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 अरे इतने दिन के बाद आई हो तुम लोग तो भाई ये कुछ नहीं तो जामुन तो है ही यहाँ और कुछ नहीं है। तो ये देखिए कितनी सारी जामुन तोड़ी हैं बच्चों ने नहीं थोड़ी, बच्चों ने तो बीनी है बस, काफ़ी सारी जामुन ली थी और आपस में झपटा झपटी कर रहे हैं खाने के। देखो तो सही, बस अब इनको धो के ट्यूबवेल पे और खा लेंगे ये लोग। अब बताना मुझे आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था आज आपको दिखाने का कि देखो कितना अच्छा लगता है। अब मैं आपको यहाँ पे अब बारी दिखाती हूँ, वो जो है ना वो अंकल जी जो रहते हैं वो लगा रहे हैं खेतों में खाद लगा रहे हैं। और ये देखो तोरी दिखाई, मैं आपको तोरी दिखी है मुझे थोड़ी थोड़ी सी, कहीं बीच में तो मैं नहीं घुसी थी, वो मना कर रहे थे कि बीच में मत जाना कुछ कीड़ा वड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर तोरी लगी हुई है, अच्छा ये वाला मुझे तो ना पता, ये वाला खेत है अपना, ये वाला जो है और ये वाला है ना, ये वाला है और ये और ये, और इसमें क्या है लाली, बाजरा बोया हुआ है। और ये ट्यूबवेल है छोटा सा, मतलब क्या होता है, हाँ जो खेतों में पानी लगाते हैं ऐसे यहाँ से होके आता है और इधर खेतों में लगता है, ये गांव में उधर पीछे। चलो बस अब घर जा रहे हैं, चलो लो यही घर जा रहे हैं, हाँ घर चल रहे हैं और क्या है ना। देखो सब हम लोगों ने लॉकडाउन में पिकनिक स्पेंड किया, बस पिकनिक जैसा ही लग रहा है सच में, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इधर, मतलब कहीं बहुत ऐसी जगह कहाँ बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये क्या चीजें बने हैं, हाँ जी अभी खेतों में ना बुवाई चल रही है बाजरा की, इस वजह से सारे खेत ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ये है कपास निकलती है इसमें, रूई कॉटन निकलती है उसके, ये पेड़ है इसको कपास बोलते हैं, ये पास ये देखो इसमें कपास निकलती है उसमें रूई निकलती है। तो बस चलिए अभी चलते हैं घर, घर जाके आपसे बात करेंगे। आज वैसे फास्ट भी है, व्रत है तो खाना वाना भी खाएंगे, बाबू भी चली ने खाना बना के रखा है वो भी शेयर करूंगी आपके साथ, आज कचौड़ी बनाने वाली है वो दाल की। चलिए ये है देखो शाम का व्यू, सूरज डूबता हुआ कितना प्यारा लग रहा है हरियाली के बीच में। बस हम जा रहे हैं ना शाम को तो सूरज डूब रहा था, हल्का हल्का सा उजाला तो है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। बस अभी घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे रास्ते में ना मेरे घर के पास में ही ये गाय का बछड़ा है, छोटा सा, बिल्कुल अभी 5-6 दिन का ही हुआ होगा। तो राघव को वो दिख गया, बोले मम्मा इसके साथ मैं खेलूँगा। तो देखो यहाँ पे ये खेल रहा है। और ये जो तालाब है ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो उस साइड हमारा घर है, ये दूसरी साइड इनका है। ये तो यहाँ पे राघव इसके साथ खेल रहा है। और ये जो दिख रहे हैं इसको बिटोरा बोलते हैं, इसमें उपले जो होते हैं ना वो रखे जाते हैं, जो गाय भैंस के गोबर के उपले बनते हैं वो रखे जाते हैं इसमें सेफ्टी के लिए, इसे बरसात में भी आप यूज़ कर सकें, भीगे नहीं, उसके लिए बनाया जाता है इसको। और ये राघव की मस्ती। फिर बस घर आ गए थे, घर पे भाभी बना रही हैं आज जो दाल की कचौड़ी, उड़द की दाल है, भीगा के हल्का दरदरा पीस लिया था। यहाँ पे मसाले हैं, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्ची और नमक, ये डाला है इन्होंने, इसी में डाल लिया है, मिक्स कर लिया है। और फिर इसको वो फ्राई करेंगी। ये नमक डाल दिया है, तो क्योंकि आज हम लोग का फास्ट है, ये वीडियो एक्चुअली मेरा परसों का है जो आज आ रहा है, परसों मेरा फास्ट था तो प्रदोष का, तो भाभी वगैरह भी रहती है तो उस दिन शाम को खाना खा लेते ना हम लोग, तो बस शाम को वो कचौड़ी सब्जी वगैरह ये बनाएंगी। तो उन्होंने यहाँ पे किया है मिक्स। और आप सभी को मैं तो भूली गई, हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि ये वीडियो आज जाना है, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। तो बस यहाँ पे भाभी ने किया है तेल, तेल गर्म हो गया था तो ये डाल दिया है, जो दाल को रखा था उन्होंने मसाले मिला करके। अब इसको फ्राई कर लेंगी, जैसे कि मतलब टाइट हो जाए, इतना इनको फ्राई करना है, भुन भी जाए ये। और सच में इतनी अच्छी कचौड़ी बनेगी ना इसकी, आप देखना। तो इसको फ्राई कर लेना है ऐसे ही चलाते हुए। मैंने कहा चलो भाभी बना रही हैं तो मैं शूट कर लेती हूँ। एक्चुअली देखो मैं यहाँ खाना मतलब काम वाम तो मेरे पास कुछ रहता नहीं है, दो भाभियाँ हैं और करने भी नहीं देती, मम्मी है तो बिल्कुल भी मुझे काम तो नहीं रहता है, इधर सोचती भी हूँ तो नहीं, बोले अपने ससुराल में बहुत काम करने के लिए, यहाँ काम नहीं आते, बस आप आराम करो। तो यहाँ देखिए ये दाल भून चुकी है, देख सकते हो टाइट हो गई है। और इसको भी थोड़ा सा और करके फिर निकाल लेंगे। ये आटा लगाया है भाभी ने, आटा लिया है गेहूँ का, ये थोड़ी सी सूजी ली है, फिर यहाँ पे अजवाइन डाली है, थोड़ा नमक डाला है, इसको मिक्स, उन्होंने मैदा नहीं डाला इसमें, सूजी ही डाली है। यहाँ पे डालेंगी मोयन, तो मेरे अंदाजा मुझे नहीं पता कितना डाला है, बट ये कचौड़ी में जैसे डलता है उस हिसाब से उन्होंने मोयन डाला है, आटा लगा के। और फिर बनाएंगी वो कचौड़ियाँ। मैं तो मैंने कहा बनाती हूँ अपने हिसाब से, अपनी भाभी का भी दिखा रहा था वो कैसे बनाती हैं, तो वो इसी तरीके से बनाती हैं। बस यहाँ पे बन रही है आलू टमाटर की सब्जी लोहे की कढ़ाई में, मुझे बहुत अच्छी लगती है लोहे की कढ़ाई में सब्जी, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है और कचौड़ियों के साथ अच्छी लगती है। ये आलू की कचौड़ी भी है, क्योंकि किसी किसी को दाल की पसंद नहीं है, आलू की पसंद है। यहाँ कचौड़ी देख सकते हैं बन के तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम आई है फूली फूली मार्केट जैसी। तो भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और मैं इस टाइम छत पर हूँ, वॉइस ओवर करते टाइम छत पे हूँ, तो आप देख सकते हैं मोर की आवाज़ काफ़ी सुनाई दे रही है। तो बस कचौड़ियाँ यहाँ पे बन के तैयार हैं, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैं बैठी हूँ, राघव बैठा है मेरे साथ में, और रायता बनाया है भाभी ने, और आलू टमाटर की सब्जी और कचौड़ी राघव आप लोगों को खिला रहा था कि आप लोग भी खा लीजिए। तो बस वीडियो का एंड मैं आज यहीं से करूँगी, आज काफ़ी टाइम हो गया था मैं एंड नहीं कर पाई थी, मैंने कहा यहीं से करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे ना प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बताना ज़रूर कि कैसा लगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जैसे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।